press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय श्री राम दोस्तों, आज मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ उसमें यह है कि संघ के बारे में सब यही गलत सोचते हैं कि सब भगवा आतंकवाद को फैलाते हैं, जन्म देते हैं और संघ ही गलत होते हैं और सिर्फ हिंदुओं के विषय पर सोचते हैं। पहली बात तो यह है कि हम सब हिंदू शब्द के अर्थ को गलत समझते हैं और जानते हैं, वो उसके बारे में जानना नहीं चाहते। हम सब यही सोचते हैं कि बस एक इस्लाम और दूसरा हिंदू है, वो उसका हिंदुत्व है। हम हिंदू हैं, यह बात पूर्ण रूप से सत्य है, वह हमें इस पर गर्व है, वह होना भी चाहिए क्योंकि हम गलत नहीं हैं। और जहाँ तक रही बात भगवा आतंकवाद की, तो भगवा हमारे ऋषि परंपराओं की पहचान रही है, उसमें कोई रंग भेद और उसकी कोई बात ही नहीं रही। और हम इस बारे में नहीं बात करना चाहते, और जिस संघ के बारे में सब हमारे बारे में जो गलत धारणा रखते हैं, जिन विचारों के बारे में लोग अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, आज मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि संघ की शुरुआत किसने कब और किन परिस्थितियों में करी। संघ, जिसे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत 27 सितंबर 1925 को हुई थी। दशहरे के दिन मोहिते के बाड़े के नाम पर एक जगह है नागपुर पर, वहाँ डॉक्टर बलिराम हेडगेवार जी का घर है, वहाँ से उन्होंने 17 सदस्यों के साथ इसकी ऑफिशियली शुरुआत करी थी। वैसे उन्होंने सन 1920 से इसके बारे में विचार रखना शुरू कर दिया था, अपने कई दोस्तों से इस बात पर, उन्होंने कलकत्ता में भी, दिल्ली में भी, उनके कई दोस्त हैं जिन्होंने बाद में पत्रकारिता के माध्यम से बारे में यह कहा कि डॉक्टर साहब ने यह कहा था कि मुझे हिंदू भावनाओं को रखना है और आगे आने वाले समय में हिंदुत्व के विचार को आगे बढ़ाना है, तो उससे बेहतर होगा कि मैं किसी दूसरे की मदद ना लेकर के मैं खुद इस कार्य को करूं। इसके खातिर उन्होंने किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब ने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के विचार बारे में ही सोचा था। उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस में अच्छे से अच्छे पदों पर रहे और कांग्रेस के सुनियोजित ढंग से कई सारी कार्यशालाएँ भी चलाईं, लेकिन उन्हें उस हिंदुत्व और आज की डेट में, आज की तारीख पर जो संघ है, उसकी छलक उस राष्ट्रीय कांग्रेस में नहीं दिखती थी। और आज हम देख सकते हैं उसकी हालत क्या है। इसलिए डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना करी, और संघ की स्थापना में प्रमुख 17 सदस्य थे, जिसमें कि 5 बाल्यकाल के स्वयंसेवक थे जिनकी आयु 7 वर्ष से भी कम रही हो, उन्होंने उनको जोड़ा था। और अपने तमाम मित्रों को उन्होंने उस बारे में बात की, बताई, और वह सब उससे सहमत हुए। तो उन्होंने अपनी नौकरी, वो एक आयुर्वेद के डॉक्टर बने थे, उस नौकरी को ना अपनाते हुए उन्होंने समाज की सेवा के लिए इतने बड़े संगठन का निर्माण किया। एक अच्छे विचार के साथ उन्होंने कहा कि एक हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म को अपनाते हुए उसकी रक्षा के खातिर उन्होंने संघ का निर्माण किया था। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.